हर प्रेग्नेंट माँ ये जरूर जानना चाहती है कि बच्चा कब किक मारता है, मैं क्या ऐसा करूँ कि मुझे बच्चे की किक्स पता चले। पहली बार माता पिता बन रहे हैं अगर आप, तो ये चीज़ आपके दिल को बहुत खुशी देगी। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कब ज़्यादा किक करता है। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। फ्रेंड्स, गर्भ में जब 20 सप्ताह पूरे हो जाते हैं उसके बाद बच्चा मूवमेंट करने लगता है, और वो मूवमेंट मजबूत भी इतने होते हैं कि आपको महसूस हो सकते हैं। कई बार 14 हफ्ते पर भी बच्चे मूव करते हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में मूवमेंट आपको जल्दी पता लगता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कंपैरेटिवली 4.5 महीने पर पता चलता है। लेकिन आपका बच्चा क्या करने से किक करता है, रिस्पॉन्स देता है, कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब बच्चा ज़्यादा किक करता है, या बच्चा एक्टिव रहता है, या बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, वो कौन से ऐसे क्षण होते हैं, वो कौन से ऐसे काम होते हैं, वो कौन सा ऐसा समय होता है। अगर आपने YouTube Mom चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे बेहद रोचक और उपयोगी जानकारी साझा करते हैं हर दिन के अपडेट के साथ में। तो प्रेगनेंसी में एक फेज होता है 29 टू 32 वीक। ये एक ऐसा समय होता है जब गर्भ में शिशु सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ बच्चे गर्भ में कंपैरेटिवली बहुत कम मूवमेंट करते हैं, शांत रहते हैं। टेम्परामेंट भी हो सकता है और अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, पेट से ही वो काफ़ी किक्स देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, साउंड पर रिस्पॉन्स करते हैं, मूड पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो आइए समझते हैं कि बच्चा कब कब रिस्पॉन्स करता है, और मेजर रिस्पॉन्स का पीरियड होता है 29 टू 32 वीक। तो जब माँ बहुत खुश होती है तब बच्चा भी खुशी महसूस करता है, और ऑब्वियसली हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम नाचने लगते हैं, खुशी मनाते हैं, झूमते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से उस लिटिल वन के अंदर भी ये वही फीलिंग होती है, वो भी मूवमेंट करके अपनी खुशी जाहिर करता है। दिन के समय मदर्स अक्सर काम करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, स्टेबल नहीं होती, उठना चलना फिरना लगा रहता है। तो जब भी एक प्रेग्नेंट माँ मूव करती है, चलती है, काम कर रही होती है, तो पेट के अंदर अमनियोटिक फ्लूड हिलता रहता है, और उसके वजह से बच्चे को स्विंग जैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल झूले जैसी फीलिंग आती है, और एंटरटेन होता है, बच्चा रेस्ट में रहता है। लेकिन जैसे ही आप खुद सोने जाती हैं, या थोड़ी देर रिक्लाइनर पे रेस्ट कर रही होती हैं, या बैठती हैं, शांत होती हैं, बच्चा मूवमेंट करने लग जाता है। एक तरह से बच्चे की नींद खुलती है, उसका जो आराम वाला फेज था वो ख़त्म होता है, क्योंकि अब एमनियोटिक फ्लूड सेटल हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। स्थिर होते ही बच्चे की नींद खुल जाती है और बच्चा मूव करने लग जाता है। तो जब भी आप रेस्ट करेंगी तब बच्चा ज़्यादा मूव करेगा। रात के समय में जब 7-8 मंथ लग जाता है, तब रात को काफ़ी मूवमेंट आपको बच्चे के फील होते हैं। अगर आप गहरी नींद में नहीं हैं, आप कच्ची नींद में हैं, तब तक आप अच्छे मूवमेंट फील कर सकती हैं। तो माँ का स्थिर होना बच्चे को एक्टिव कर देता है, और माँ का एक्टिव रहना बच्चे को आराम देता है, एक अच्छी स्लीप देता है। तीसरा कारण और भी है कि कुछ बच्चे गर्भ में अपने जो समय है, जितने वीक्स चल रहे हैं, मंथ चल रहे हैं, उनके कंपैरिजन में कमज़ोर होते हैं। तो कमज़ोर बच्चे गर्भ में कम मूव करते हैं, ऐसा हो सकता है। और बच्चा अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो वो अपने माइलस्टोन्स, जितने वीक का है उस वीक के अकॉर्डिंग उसके उतने किक काउंट्स हो सकते हैं। ये बहुत ही सरल है। तो बच्चे की सेहत पे आपको ध्यान देना है, अच्छी डाइट खानी है, अच्छा रूटीन फॉलो करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, और तब आपको अपने बच्चे के अच्छे मूवमेंट्स फील होंगे। और ये हर प्रेग्नेंट माँ और पिता के लिए बहुत कीमती क्षण होता है। सो ट्राई दिस आइडियाज़। थैंक्स।